हेलो दोस्तों, इंडियन रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। आपने वो फिल्म देखी है मांझी द माउंटेन मैन, जिसमें दशरथ मांझी के बारे में बताया गया है कि उन्होंने कैसे पहाड़ काट कर रोड बनाया था ताकि वो को आने जाने में सुविधा हो। कि रोड ना होने की वजह से उनकी वाइफ की जो है वो डेथ हो गई थी। तो ये पूरी फिल्म है जो कि आपको देखनी चाहिए, बहुत ही मजेदार फिल्म है। ये जो जगह है वो बिहार में ही स्थित है, गहलौर नाम है उस गाँव का जहाँ पे दशरथ मांझी रहा करते थे। अभी भी उनका वहाँ पे घर है। तो मैं वहाँ पे घूमने गई थी, हमारे गया से थोड़ी ही दूर पे है उनका गाँव। तो मैंने छोटा सा उसका एक वीडियो बनाया है, बिकॉज हमें बहुत लेट हो रहा था और जगह जाना था इसीलिए। लेकिन वो वीडियो आप पूरा देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। थोड़ी सी मैं बात बता दूं कि वहाँ पे जो पहाड़ है ना, जो उन्होंने तोड़ा था, वो बहुत ही सख्त पहाड़ है। मैंने थोड़ा जूम करके वीडियो में दिखाया है और वीडियो के बीच में ये बीच बीच में आता रहेगा क्योंकि ये मेरे रूम में सोता है। ये बहुत ही शैतान है, बहुत ही बदमाशी करता है। चलिए सी हाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं यहाँ पे घूमने आई हूँ। ये दशरथ मांझी जी ने जो पहाड़ तोड़ा था, ये वहाँ पे है जगह गहलौर में, और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। आप देख सकते कितना ऊंचा पहाड़ है, उन्होंने ये तोड़ा था। और कितना टफ पहाड़ है ना, एकदम छेनी हथौड़ी से कितना कितना मुश्किल वाले होते हैं। कितना सख्त, कितना सॉफ्ट है, मतलब देख के ताजी लगता। तोड़ के एकदम रोड बना देते, तो ऐसे पूरा घूम के जाना पड़ा होते ना। सब देखो इधर ही सब जाता है बाईपास, तो ये इतना ही ऊंचा है मम्मी। हे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से आपको जूम करके दिखा रही हूँ कि देखिए रोड है, बहुत दूर तक लंबा रोड गया है। और बहुत सरकार जो है वो अच्छे से रोड को बना दी गई है। और आप देख सकते हैं कि पहाड़ है, और ये बहुत ही ऊंचा पहाड़ था। पता नहीं उन्होंने कैसे तोड़ा था, बहुत ही मुश्किलों से ये टूटा होगा, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है, बरसों लग गए थे तोड़ने में, क्योंकि ये इतना सख्त पहाड़ है कि मैं क्या बताऊं। अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। और ये देखिए, मैं और सासू माँ आगे में जो है वो फ़ोटो खींच रहे हैं कार के सामने, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे छिप गए। मेरे हस्बैंड रिकॉर्डिंग कर रहे थे। और देख सकते हैं कि एकदम लाल बलुआ जिसको कहते हैं ना, वो वाला कलर है। ये काफ़ी सख्त होते हैं पत्थर, तो उन्होंने पता नहीं कैसे काटा होगा, बहुत ही मुश्किल आई होगी उनको। और आप देख सकते हैं चार्ली भी हमारे साथ है, वो भी पहाड़ देखने आया था। और आसपास के लोग ना यही रास्ता प्रीफर करते हैं अपने आने जाने के लिए, क्योंकि ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है, नहीं तो पहले बहुत ही घूम कर जाना पड़ता था। और ये देखिए, आगे वाला मेरा ड्राइवर है, पीछे वाला मेरा देवर है। और ये देखिए, ये जो है टेम्पो में सब लड़कियां आई हैं देखने के लिए, घूमने के लिए पहाड़ को। ये सब लोकल आदमी हैं जो आ जा रहे हैं। और पहाड़ वाकई में देखो तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन हम एकदम धूप में गए थे। ये देखिए, हम जाने की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही गर्मी लग रही थी, काफ़ी धूप था, दोपहर के 2 बज रहे थे और हमें लेट हो रहा था जाने के लिए। तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी शूट करके अपना पैकअप करके जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।